पिछले एक साल से ना मैं एक सुपर अट्रैक्टिव स्कीम में पैसे डाल रही थी, सोचा मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ तो जब मेरी बारी आई फंड उठाने की तो स्कीम चलाने वाले गायब। तू ये अट्रैक्टिव स्कीम्स का चक्कर छोड़ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल, बोलर्स की तो हमने बात कर ली बस, बट वो सुपरनोवास की बैटिंग की ओर अब हम मुड़ते हैं। सबसे पहले कप्तान की बात कर लेते हैं, हरमनप्रीत कौर। काफी होप्स उनपे हमेशा ही होती है जिस तरीके की वो प्लेयर है। उनका T20 में सक्सेस हमने एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर दोनों बार देखा, और जब से उन्होंने WBBL में वो रन स्कोर किए, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा उनकी लय उन्हें मिल रही है। पिछले दोनों ही मैचेस में उनसे रन आए और आज भी बहुत उम्मीदें उन पर होंगी मरीना। बिल्कुल होंगी, और अगेन मैं ये अक्सर बात करती हूँ कि वो जिस तरह का कैरेक्टर है हरमनप्रीत कौर का, उनको चैलेंज पसंद है, और हमने देखा है ओवर द इयर्स अब उनको वो आर्ट आ गया है कि वो एडजस्ट कर लेती है बहुत जल्दी जो भी सिचुएशन हो, चाहे दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही हैं वो अपनी गेम चेंज कर लेती हैं, लेकिन जब तक वो मिडिल में रहती हैं दूसरी टीम को टेंशन जो है वो डाल के रखती हैं। अब आज मैं बात करूं वेलोसिटी के पास बॉलिंग और फील्डिंग में जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम है, क्योंकि सुपरनोवास के पास ऐसे अटैकिंग बैटर्स हैं कि हर किसी भी चूक हुई तो वो बाउंड्रीज आराम से हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर बैटिंग लाइनअप पे देखें तो हरमन के पास ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ वो इनिंग्स भी बिल्ड कर सकती हैं, अटैक जब चाहे कर सकती हैं, और ओवरऑल जिस तरह की 70 रन की इनिंग्स उन्होंने उस दिन खेली थी, एक तरह से अंडर प्रेशर था, क्रूशियल इनिंग्स थी वो, अभी ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हमें नजर आने लग गया किस तरह की इनिंग्स वो खेलती हैं। तो सारा एक्सपीरियंस और जो सारा जोश है वो अपनी बैटिंग में और कप्तानी में लेके आती हैं। कितने पैसे चाहिए? पैसा नहीं इज्जत, मोहल्ले के चिरकुट लौंडे हरा रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स में। आप एक्सपर्ट हो, सिखाओ। सिखाऊंगा तो जाने दोगे? फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व हैं और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।